जा रहे हैं थोड़ा एक दो बैंक के कामों से। बैंक में अपन ने खुलवा लिया अकाउंट, बहुत जरूरी है मैम। ऐसा जो भी आपको वहाँ पे ओपन करके दे रहे होंगे अकाउंट, जो हेल्प कर रहे होंगे आपके अकाउंट ओपन करने। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई, जैसे हम गए थे बैंक आज, तो बैंक में अपन ने खुलवा लिया अकाउंट, बहुत जरूरी है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स के लिए बैंक बहुत ज़रूरी होता है बैंक अकाउंट ओपन करना। सो पोर्चुगल में बैंक ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या टाइम प्रोसेस लगता है, एंड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं खोलने में, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चीज़ें वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हो पाती, एंड क्या क्या फ़ायदे हैं उस चीज़ के, उसकी अपन बात करते हैं इस वीडियो में प्रॉपर। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया है एंड खोल गया है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है सब कुछ, ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम। तो बने रहो, वीडियो को पूरी देखो, थकान उड़ के बहुत ज़्यादा, बहुत थक गए थे आज भी, थोड़ा काम था बाहर वहाँ गए थे। सो वीडियो को देखो पूरी, सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे, इसे सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे आ रहा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लाइक, यहाँ पे आ रहा, लाइक कर देना। नीचे जाके पहले वीडियो को लाइक करो अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। एंड बाकी क्वायरीज के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, आप इंस्टाग्राम पर जस्ट क्लिक करो, मेरे को DM करो, सबको रिप्लाई करता हूँ मैं मोस्टली। सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, बट मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके वहाँ पे कुछ भी क्वायरीज है उस पर डालो, मैं आपको जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ताकि जितनी क्वायरीज क्लियर हो पाए। तो बस अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहो, लेट्स एंजॉय द इंट्रो। तो भाई पहले हम बात करते हैं मेरे बैंक की, जिसमें मैंने खुलवाया है। सो मैंने खुलवाया है नोवो बैंक को यहाँ पे बोलते हैं, नोवो बैंक है वो, मैंने उसके अंदर अकाउंट खुलवाया है। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, उन्होंने मेरे को मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेरे पे थोड़े डॉक्यूमेंट्स कम थे। सो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करे एंड मैं फिर दोबारा बैंक गया एंड मैंने फिर ओपन करवाया। एंड फर्स्ट डे ही उन्होंने फिर उस टाइम मेरा ओपन कर दिया, कोई इतनी दिक्कत आई नहीं है। सो अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे, जैसे हम लोग पहले यूक्रेन से आए हैं, तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हैं यहाँ पे। एक लास्ट पेपर हमको आया एक साल की वैलिडेशन के साथ, तो उसको दिखा के वो बहुत इजीली खोल दे रहे हैं। वरना अगर आप यूक्रेन से नहीं आए हैं, अगर आप यूक्रेन से आए हैं तो जस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, बाकी जो आपका वो लास्ट पेपर जो आपको मिलना है सैफ से, इसके अंदर आपके तीनों के तीनों नंबर लिखे हैं, हेल्थ सोशल नंबर, टैक्स नंबर एंड हेल्थ नंबर, आपको वो वाला पेपर लेके जाना है जिसके अंदर एक साल की वैलिडेशन दी हुई है, वो लेके जाना है। और अगर आप नॉर्मल हैं, नॉर्मलिटी 8 आर्टिकल वाले या कुछ, सो आपको लेके जाना है आपका पासपोर्ट, मेन डॉक्यूमेंट जो है उन्हें नोट कर लो, नींद आ रही है सॉरी, मेन डॉक्यूमेंट से जो उन्हें नोट कर लो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट लेके जाना है पहला। सेकेंड डॉक्यूमेंट आप मान लो अपना टैक्स नंबर लेकर जाना है वहाँ पे। एंड अगर मैं थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपका सोशल नंबर भी आपको वहां पे लेके जाना है। एंड अगर आप यूक्रेन वाले आर्टिकल में नहीं है, सो आपको लेके जाना है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट जॉब कॉन्ट्रैक्ट फिर वो नहीं खोलते हैं। एंड नोवो बैंक में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रेजिडेंसी आपके पास होनी चाहिए, नोवो बैंक में बिना रेजिडेंसी के खुल जाता है इजीली। जैसे कुछ बैंक है, सीटीटी बैंक में आपको नहीं प्रेफर करूँगा, मत जाना सीटीटी बैंक, क्योंकि उनके रूल्स ऐसे हैं, उनका जो न्यू रूल्स है उनका अपडेट है उसमें उनको रेजिडेंसी चाहिए। सो वहाँ मत जाना। मिलीनियम बैंक है एक, मिलीनियम बैंक में क्या हिसाब है, मिलीनियम बैंक में खुल जाता है अकाउंट विदाउट रेजिडेंसी, बट उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको चाहिए जिसमें उनको वो पैसा डालो तुम अकाउंट ओपन करने के लिए। फ्री अकाउंट नहीं ओपन होता जो मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, यूक्रेन वालों के लिए हो रहा है बिकॉज उनके पास अभी इतना नहीं है अर्निंग, तो उनके लिए ओपन करके दे रहे हैं, बट नॉर्मल बंदों के लिए, सबके लिए नहीं करके दे रहे हैं। उसमें कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डालना पड़ता है आपको, जिसके बाद आपका वो अकाउंट ओपन होता है। सो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं, पासपोर्ट चाहिए आपको, हेल्थ नंबर, अपना टैक्स नंबर, सोशल नंबर, पासपोर्ट एंड आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। आप वो लेके जाओ वहाँ पे, उनको बोलो अकाउंट खोलना है, वो आपको एक घंटे में खोल के दे देंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर्स टू साइन देयर।
तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड उसके बाद आपका डेबिट कार्ड, मेरे को जो एक्सपीरियंस है, मेरे को उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर आएगा आपके एड्रेस पे, बट मेरा जो टैक्स का एड्रेस है, जो टैक्स नंबर का मेरा एड्रेस है, वो ओदी मेरा का है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं लगा उसमें काम करता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका वो पहले वहाँ जाएगा, आफ्टर दैट जब मैं चेंज करा लूँगा एड्रेस तो इसी एड्रेस पे आया करेगा, बट अभी मेरा ओदी मेरा जाएगा। सो जिस जो आपका एड्रेस है आपके टैक्स नंबर पे, उसी पे ही आपका डेबिट कार्ड जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप उसी दिन उनसे ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। द सेम डे यू कैन ओपन योर ऑनलाइन बैंकिंग, जिसमें आप आपके सारे नंबर आपको ऐसे भी शो हो जाएंगे, स्विफ्ट नंबर, EBN नंबर, सारा सारा कुछ उसमें आपको डाटा, आपको A to Z सारा शो हो जाएगा। आप उससे अपना रिचार्ज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो ये जो नॉर्मल थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग लगे स्टार्ट करवा लें, बिकॉज वो ऐप इसमें चलती है, सॉरी थोड़ी पोर्चुगीज में चलती है, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको कोई दिक्कतें ना आए, तो उसके लिए आप वहीं पे उनसे बोलो, जो भी मैम आपका मैम या सर जो भी आपका वहाँ पे ओपन करके दे रहे होंगे अकाउंट, जो हेल्प कर रहे होंगे आपके अकाउंट ओपन करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप उनको बोलो कि आप प्लीज़ मेरे यहाँ पे वहीं पे आप डाउनलोड कर लो ऐप को, एंड अपना वहीं पे अपना ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट कर लो। बहुत फ़ायदा है, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो कितना बैलेंस पड़ा है, कितना नहीं है, कब सैलरी आई है, कब सैलरी नहीं आई है। तो फ़ायदा है, काफ़ी सारे फ़ायदे ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे होते हैं। कहीं पे भी आप मनी ट्रांसफ़र करो ऑल ओवर यूरोप एंड मे बी इवन बाहर भी कर सकते हो, बट वो पैसे ऐसे करते हैं, उनका एक अलग सिस्टम है। सो ये छोटी सी वीडियो है जस्ट बैंक्स को रिलेटेड लेके, कि बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से, एंड वैसे ज़्यादा नहीं कुछ ड्रामे करते वो लोग, बस आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने ध्यान रखें। बिना कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट काम आपके तो मत जाना वहाँ पे, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो टाइम बर्बाद वाली बात है। एंड नोवो बैंक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मिलेनियम बैंक, जिसे अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं आप मिलेनियम बैंक में भी खुलवा सकते हो। उसमें ये है, क्या सुनने में आया कि आपको ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, सो आप जो पैसा वहाँ पे जमा करते रहोगे हर महीने, क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा चलता रहेगा, तो आगे के लिए हेल्प होगी। बट मेरे पास नहीं था भाई इतना पैसा कि मैं अकाउंट ओपन करके पैसा भी जमा करा पाऊँ, तो मैंने नोवो बैंक में खुलाया। एंड ईजी है, कोई बात नहीं, कभी बाद में ले लेंगे क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे भी आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ये थी छोटी सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है अपडेट्स को लेकर, क्या क्या अपडेट्स आए हैं सेफ से और म्यूनसिपल जहाँ मैं जाके आया हूँ आज ही, वहाँ पे क्या अपडेट्स आए हैं यूक्रेन वालों को लेके, क्या क्या हेल्प मिल रही है या फिर क्या क्या हेल्प कर रहे हैं वो लोग। सो वो वीडियो आएगी नेक्स्ट, पहले आप इस वीडियो को एंजॉय करें, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा इसे लाइक कर दें, सॉरी सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दें, ठोक दें, नींद पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, थक गए थे। एंड हाँ, दबा के लाइक कर दो, दोस्त भी आ गया अपना, और लाइक बटन यहाँ पे होगा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड और वीडियो जो है कि मैं पोर्चुगल कैसे आया और यहाँ के लिविंग एक्सपेंस, सो आपको एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, सीधा जाओ वीडियो देखो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, वीडियोस रेगुलर जैसे मैंने बोलता आती रहेंगी विद गुड क्वालिटी, सो एंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।